हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जो है जॉब के रिगार्डिंग अपडेट भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें स्कूलों की जर्ज भवन है उसको तोड़कर जो है नई बनाने जाएंगे, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिया गया है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में जर्ज हो चुके स्कूली भवनों का जो है सर्वे कराकर जो है उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। और मंत्री ने कहा कि इसकी जगह पर जो यहाँ पर नए भवन बनाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि ये फैसला कल इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पर एक संपात में एक छात्र की मौत हो गई स्कूल में इस वजह से। और वहीं यहाँ पर BSc BCom से ज़्यादा यहाँ पर BA के लिए यहाँ पर मारामारी, तो यहाँ पर देखते BSc BCom से ज़्यादा अब BA में हो चुकी है मारामारी। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कभी BSc और BCom की को पहली पसंद मानने वाले छात्र अब BA में सबसे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। और राजधानी की चार बड़े कॉलेजों में यहाँ पर सीट और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा यहाँ पर तो यही बता रहा है। और बताया जा रहा है कि हर कॉलेज में, चार कॉलेजों में जो राज्य में हैं, तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में BA के छात्रों का यहाँ पर एडमिशन करवाया जा रहा है। और वहीं यहाँ पर DSB के प्राचार्य बोले प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते ही यहाँ जो है BA के लिए यहाँ पर के लिए आई ज़्यादा आवेदन, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए BA करना यहाँ इसी वजह से छात्रों को पढ़ रहा है। और छात्र छात्राओं के बीच इतिहास, अंग्रेजी और यहाँ पर समाजशास्त्र विषय की जो है ज़्यादा डिमांड, तो यहाँ पर इतिहास है, गणित, अंग्रेजी है और समाजशास्त्र, यहाँ पर ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर नाम, पिता का नाम वो प्राप्तांक रिजल्ट में जो है जारी करें आयोग, तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के बेरोजगार संघ ने यहाँ पर मांग की है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो भी यहाँ पर भर्तियाँ कराएं उसके परिणाम जो है यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक और आदि इनकी जानकारी यहाँ पर दें, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और बेरोजगार संघ ने कहा कि बृहस्पतिवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर ज्ञापन भेजकर कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है युवाओं का भरोसा यहाँ पर डगमाया गया है। और वहाँ उनने मांग की है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है पारदर्शिता की जो है मिसाल को कायम करें और उन्हें जो है यहाँ पर JEE जो AE भर्ती थी परिणाम में एक सप्ताह में जो है जारी करने की मांग की है। और आयोग के अध्यक्ष बाबूवार ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गैर पेशेवर रवैये की यहाँ पर वजह से उम्मीदवारों के बीच जो है अपना विश्वास खो चुका है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इस दिशा में काम नहीं हुआ तो आंदोलन कर देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर पेपर लीक मास्टर माइंड जो मूसा था लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और सिकंजा तो उत्तराखंड और UP STF की जो है संयुक्त कार्रवाई में जो है मूसा का साथी योगेश राव भी यहाँ पर पकड़ लिया गया है और आज देहरादून लाया जाएगा। तो और यहाँ पर देखते हैं कि इंदिरा नगर के B ब्लॉक में जो यहाँ पर रखी थी शरण, तो वहाँ पर पकड़ लिया गया है। और RMS के कर्मचारी कासान ने किया था संपर्क, तो यहाँ पर कासान ने जो है यहाँ पर संपर्क किया था और इसमें संपर्क में कहा गया था यहाँ पर 4 से लेकर 5 दिसंबर 2021 में होने वाली परीक्षा का पेपर उन्हें देगा और प्रति व्यक्ति 8 लाख रुपये यहाँ पर लेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। और दोनों ने यहाँ पर जो है उनसे सौदा पक्का किया और 3 दिसंबर को यहाँ पर पेपर, यह पेपर जो है कासम ने यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग चौराहे के पास स्थित यहाँ पर गौशाला के सामने यहाँ पर ला कर दिया। और उसकी जानकारी जो है उन्होंने जो यहाँ पर शशिकांत सिंह है और केंद्रपाल निवासी धामपुर हैं उनको यहाँ पर दी थी, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर धांधली हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर चंपावत की घटना से यहाँ पर खुली स्कूलों में सुविधाओं की बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते शिक्षा विभाग में चंपावत घटना में जो कि यहाँ पर हाल ही में एक छात्र की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पे, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए थे समीक्षा बैठक में यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश, तो यहाँ पर देख सकते समीक्षा बैठक में निर्देश भी दिए हैं और शिक्षा मंत्री ने जताया दुख। और वहीं बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बच्चों को जो है लोक कथाएँ सुनाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते शिक्षा मंत्री और यहाँ पर मुख्यमंत्री बच्चों को यहाँ पर जो है लोक कथाएँ सुनाने वाले हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर दिसंबर से यहाँ पर जो है फरवरी के बीच 4 भर्तियाँ परीक्षाएँ, तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग कराएगा 3,632 पदों की भर्ती, तो यहाँ पर 3,632 पदों की भर्ती परीक्षा कराने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो है अक्टूबर में आपके आवेदन हो जाएंगे, तीन भर्तियाँ जो है आपके आवेदन होने अक्टूबर में। और दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो है यहाँ पर इनका जो परीक्षा होगी वो करा दिया जाएगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो यहाँ पर सचिव हैं उन्होंने बता रखा है। और मुख्यमंत्री सुशील धामी के निर्देश पर जो है यहाँ पर आयोग को जो है मिली समूह की भर्तियों को लेकर जो है काम तेज कर दिया गया है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर जो है हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है, यहाँ पर जो है ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है, लिहाजा जो है आयोग को सिर्फ लिखित परीक्षा कराई जाएगा, तो लिखित परीक्षा आपकी पुलिस कांस्टेबल की करानी है। और वहीं 15 से 21 पदों की पुलिस भर्ती है जिसमें आपके यहाँ पर जो फिजिकल वर्क है उनका यहाँ पर परीक्षा करानी है। और पटवारी लेखपाल का है जिसमें 554 पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड है यहाँ पर 894 पोस्ट हैं और सहायक लेखाकार है इनकी पोस्ट
यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे, ये परीक्षा आपके होंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर आयोग ने यहाँ पर जो है शुरू की समूह गौ की परीक्षाएं, तो समूह गौ की परीक्षाएं यहाँ पर आयोग ने शुरू कर ली गई हैं। पुलिस आरक्षी, राजस्व उप निरीक्षक आदि पदों के लिए अक्टूबर में यहाँ पर जो है जारी होगा विज्ञापन। तो आपके पुलिस आरक्षी और राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के लिए यहाँ पर जो है अक्टूबर में जारी हो जाएगा। आयोग ने की अभ्यर्थी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, आयोग ने जो है अभ्यर्थी के निवारण करने के लिए ये प्रकोष्ठ जारी किया गया, इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को यहाँ पर दिया परीक्षा कराने का अधिकार, तो यहाँ पर 23 भर्ती परीक्षाओं को जो है यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी है और युक्त प्रेसी ने जो है 12 भर्तियाँ निरस्त कर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अधीन सेवा चयन आयोग ने 12 भर्ती के जो विज्ञापन है वो रद्द कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखते हैं पटवारी, लेखपाल, बंदर, सब ये परीक्षाएँ जो होंगी अब UPSC के द्वारा होंगी। और प्रथम बार आपके यहाँ पर जो है भर्ती के लिए ऑनलाइन 3842 पदों के लिए परीक्षा होनी है, और जिसमें यहाँ पर जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती ये आपके रद्द नहीं होगी, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं होगी रद्द। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने बताया कि जो 1521 पद हैं उनका यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा वो रद्द नहीं होगी, बाकी आपका पेपर ये कराएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जिन्होंने पहले आवेदन किया था उन्हें यहाँ पर नहीं लिया जाएगा शुल्क, तो जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बाकी सभी अभ्यर्थी आप जो शुल्क सहित जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और ये सभी के लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे जितनी भी वैकेंसीज हैं, और ये आपको देखते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 2648 पदों पर जो है बदले की मेरिट, तो यहाँ पर आपके उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो है NISO को शामिल करने को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है, और कहा गया है कि NISO वालों के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से यहाँ पर जो है होगा बदलाव। तो यहाँ पर शिक्षा भर्ती में अब बड़ा बदलाव होने वाला है, और शिक्षा भर्ती में जो है NIOS डीलेट से यहाँ पर जो है डील करने वाले उम्मीदवार भर्ती में शामिल से यहाँ पर न सिर्फ जो 2648 पदों की शिक्षक भर्ती मेरिट बदलेगी, बल्कि चयनित हो चुके यहाँ पर जो है कुछ जो BEd के प्रशिक्षित हैं वो बाहर होंगे, तो जो चयनित BEd वाले हैं उनको बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है, ऐसा कहा गया है। और BEd प्रशिक्षित चयनित एवं प्रक्रिया में जो है शामिल उम्मीदवार होंगे बाहर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो चयनित होंगे और एक जो प्रशिक्षित आपके यहाँ पर अभी शामिल हैं उनको बाहर करना पड़ेगा, इनकी जगह पर यहाँ पर NIOS डिलीट को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये चेंज हो सकता है। सरकार जो है इस पर भी यहाँ जो है कर सकती है विचार। तो यहाँ पर सरकार ने कहा इस मामले में कहा कि हाईकोर्ट में पुनर्याचिका जो है दाखिल कर सकती है, ऐसा यहाँ पर सरकार ने कहा है, या इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है विशेष याचिका दायर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है केस, या तो यहाँ पर हाईकोर्ट में पुनर्याचिका कर सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, जिसमें यहाँ पर अब चेंजेस देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर जो BEd अरविंद पांडे वाले जो प्रशिक्षण वाले हैं BEd वाले शिक्षक भर्ती सेवा देने वाले जो है DLED अभ्यर्थियों को जो प्राथमिकता है, और NIS वालों को जो है शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है DLED वाले शिक्षक भर्ती के से बाहर हो जाएंगे, BEd वाले होंगे यहाँ पर, ठीक है, DLED लिखा गया, BEd वाले शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और वहीं यहाँ पर रविन्द्र मंजू की शिक्षा उनके द्वारा बताया गया कि विभाग की ओर से यहाँ पर अभी सभी भर्ती पर जो है रोक लगाई गई है, और NIS वालों को यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती में जो है शामिल करने पर जो है मेरिट प्रभावित होगी, और हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बारे बाद यहाँ पर जो है इस मामले में जो है कुछ कहा जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें जो कहीं ना कहीं चेंजेस अब आपको देखने को मिल जाएंगे। और विधानसभा में जो है भर्तियों में जो यहाँ पर किस नियम से हुई है प्रीतम, तो यहाँ पर देखते हो उत्तराखंड में जो है गठन के बाद जो अब तक विधानसभा भर्तियों को लेकर जो है क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, इसको लेकर जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जो है RTI के तहत जो विधानसभा में जानकारी मांगी है, तो किस तरह का होगा, क्या हो रखा है, पर होकर जानकारी यहाँ पर चाह रहे हैं ये लोग। और वहीं बात करें अगस्त महीने में यहाँ पर जो है यह आंकड़ा देख सकते हैं, 8.28% जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। बेरोजगारी दर जो है 12 माह में सबसे उच्च स्तर पर, तो बेरोजगारी दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 8.28% यहाँ पर फीसदी दर्ज यहाँ पर कर दी गई यहाँ पर बेरोजगारी, और रोजगार में यहाँ पर जो महिलाओं में भेदभाव भी किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं यहाँ पर दरोगा रैंकर परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह जो है रिजल्ट आएगा योग्यता परिषद दरोगा रैंक का। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती पर जो है यहाँ पर जांच करने की मांग की है, जिसमें आपके प्रवक्ता शिक्षक भर्ती पर यहाँ पर बताया गया है कि साक्षात्कार में जो है गलत तरीके से मापदंड अपनाए गए, इसकी जाँच करने की मांग की है। और वहीं यहाँ पर जो आपकी रैंकर परीक्षा थी वो यहाँ पर जो परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा कि जो आपके रिजल्ट हैं या आपके नियुक्तियां हैं उस पर जो यहाँ पर कार्मिक के जो आदेश होंगे उसके इंतजार हैं, उसके बाद यहाँ पर इनके जारी कर दिए जाएंगे। और वहीं बात करें उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता भर्ती परीक्षा को जो है समय पर संपन्न कराने की और यहाँ पर नौकरी देने की बात, तो यहाँ पर देख सकते उत्तराखंड के
उत्तराखंड में अब 19,000 पदों पर जो है होगी भर्तियां। तो यहाँ पर देखते हैं कि भर्तियां जो है 19,000 पदों पर होनी है। सीएम धामी ने यहाँ पर जो है इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और वर्तमान समय में लगभग जो है आपके 7,000 पदों की वैकेंसी यहाँ पर जो है चली हुई है और 12,000 पदों पर नई भर्ती आएंगी, यानी कि आपके बाप के 12,000 नई पदों की वैकेंसी आएंगी, जिसमें आपके लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग दोनों परीक्षाएं आपकी कंबाइन कर दी गई हैं। यूके पीएससी के बाद जिसमें आपके पीएससी के बाद प्रवक्ता शिक्षक भर्ती आ जाएगी, अब आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा शिक्षक भर्ती होगी और एआरओ आरओ होगा, तो अन्य पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर जो है यूके ट्रिपल एससी से 2,000 पदों की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी हैं और अन्य पदों की वैकेंसी भी आनी हुई हैं, जिसमें लगभग 12,000 नए पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएंगे और आने वाले टाइम में, और इसमें यहाँ पर जो है जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पद रिक्त पदों पर जो है शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएंगी। इन 12,000 पदों पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उत्तराखंड में यहाँ पर कहा गया खाली पदों को भरने को तेजी से यहाँ पर जो है भर्ती अभियान शुरू होगा, ऐसा यहाँ पर सीएम धामी ने कहा है और कहा है कि इसमें जो है 7,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो है शुरू होने जा रही। तो 7,000 पदों की भर्ती यहाँ पर होने जा रही जो यूपी पीएससी की थी और यूपी पीएससी करा रहा है, और 12,000 पदों पर भी यहाँ पर जो है जल्द जो है परीक्षा शुरू कराने की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और सरकार जो है इस समय जो है सबसे पहले जो है प्राथमिकता यही है कि भर्ती परीक्षाएं जो है समय पर जो है संपन्न कराई जाएं और युवाओं को जो है जल्द से जल्द यहाँ पर जो है रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और पुष्कर सिंह धामी ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा गया कि युवाओं की जो है नौकरी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, ऐसा पर कहा गया है। और अब जो है कोई भी भविष्य में किसी भी कुछ गड़बड़ी कराने की हिम्मत यहाँ पर नहीं जुटा पाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और अंतिम दोषी को पकड़ने तक यहाँ पर जांच रहेगी, ऐसा भी कहा गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मिला अधिकार, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्ती कराने का जो अधिकार है वो यहाँ पर मिल चुका है, जिसमें आपके यहाँ पर पटवारी है, लेखपाल है, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक है, प्रयोगशाला सहायक है, मानचित्रकार, सर्वेयर है, वन आरक्षी है, ओबर अभियंता है, अनुवेक्षक कम संगणक है, पुलिस आरक्षी है, उपनिरीक्षक पुलिस का है, पशुपालन विभाग के अंतर्गत है, उद्योग के अंतर्गत है, दुग्ध विकास पर्यवेक्षक का है और सहायक लेखाकार है, और वहीं आप कनिष्ठ सहायक है, व्यक्ति सहायक है, सहकारिता पर्यवेक्षक है, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक है और व्यवस्था अधिकारी का है, पुलिस रैंकर है, वाहन चालक है और अनुदेशक कर्मशाला है, मत्स्य निरीक्षक है और पुलिस जो मुख्य आरक्षी है, स्केलर है। इन पदों पर जो है अब आपके यहाँ पर यूके पीएससी परीक्षाएं यहाँ पर कराने वाला है, इनका जो है नोटिफिकेशन जल्द आपको देखने को मिल जाएगा।